देखिए, आप अगर अपना सैमसंग अकाउंट को लॉग आउट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो आप ध्यान से देखते रहिए। बहुत से लोग इसे रिमूव करना चाहते हैं बट रिमूव होता नहीं है, तो चलिए कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सेटिंग्स में आ जाइए, और उसके बाद अभी देखिए मेरा यहाँ पर सैमसंग अकाउंट लॉगिन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मेरा सैमसंग अकाउंट लॉगिन है। तो मैं इसे रिमूव करता हूँ तो नहीं होता है, बट अलग तरीके से इसे कैसे रिमूव किया जाए, तो यहाँ पर आपको अकाउंट्स एंड बैकअप में आ जाना है। अब यहाँ पर आप मैनेज अकाउंट्स में आना है आपको। इसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके यहाँ आपको अपने सैमसंग अकाउंट में आ जाना है, तो इस पर क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर आपको रिमूव अकाउंट पर क्लिक करना है, यहाँ पर रिमूव अकाउंट पे और रिमूव अकाउंट पे क्लिक कर देना है। बट ये करने से डायरेक्ट रिमूव नहीं होता है, बहुत से फ़ोन में हो जाता है लेकिन एंड्रॉयड 11 में, ज़्यादातर एंड्रॉयड 11 में नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको साइन आउट का ऑप्शन आता है, तो आपको साइन आउट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूछता है क्रिएट अ पासवर्ड और सेंड ईमेल, तो आपको यहाँ पर सेंड ईमेल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एक ईमेल सेंड हो जाएगा, तो अब आपको या तो यहीं से जीमेल की एप्लीकेशन पे चले जाना है, या तो आप अपनी जीमेल की एप्लीकेशन यहाँ पर जीमेल में जाकर आपका जो भी ईमेल है यहाँ पर आ जाइए, या लॉगिन नहीं है तो लॉगिन कर लीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, अभी मुझे आया है मेल, ठीक है, यहाँ पर आपको आना है। और यहाँ पर देखिए कंटिन्यू विद एके खान, इस पर क्लिक कर देना है मुझे। अब यहाँ पर मुझे ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेना, तो मैं क्रोम सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आईडी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, प्लीज रिटर्न टू द प्रीवियस स्क्रीन सैमसंग एप्लीकेशन टू कंटिन्यू। तो अब आपको यहाँ पर वापस से यहाँ पर आ जाना है। देखिए साइन आउट हो चुका है। इस तरीके से आप अपना अकाउंट रिमूव कर पाएंगे बहुत ही इजी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हट चुका है।